आलिया भट्ट की अल्फा में हुई इस एक्टर की एंट्री। 5 साल पहले दे चुका है 300 करोड़ रुपए की फिल्म। एक्ट्रेस आलिया भट्ट इस वक्त अपनी लेटेस्ट फिल्म जिगरा की अनसक्सेसफुल को लेकर के चर्चा में बनी हुई हैं। दशहरा के फेस्टिव सीजन में रिलीज होने वाली जिगरा उम्मीद के मुताबिक परफॉर्म नहीं कर पाई और बुरी तरीके से नाकाम रही। इस बीच उनकी अपकमिंग अल्फा को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि यशराज बैनर तले बनने वाली स्पाई थ्रिलर में हिंदी सिनेमा के एक दिग्गज कलाकार की एंट्री हो रही है, जिसने 5 साल पहले बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ की एक धमाकेदार मूवी दी थी। आलिया भट्ट की अल्फा यशराज फिल्म्स की स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा है। इससे पहले इस बैनर तले एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है, वॉर, पठान और टाइगर 3 जैसी बेहतरीन स्पाई थ्रिलर का प्रोडक्शन किया जा चुका है। अब यशराज बैनर की स्पाई फिल्म होने के नाते अल्फा में एक पुरानी एजेंट की झलक देखने को मिल सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अल्फा में एक्टर ऋतिक रोशन कैमियो करते हुए नजर आएंगे। दरअसल वॉर मूवी में नजर आने वाले ऋतिक का एजेंट कबीर का किरदार आलिया भट्ट की अल्फा में नजर आ सकता है। इसके लिए ऋतिक जल्दी ही शूटिंग भी शुरू करेंगे। इससे पहले ऋतिक रोशन बीते साल सलमान खान की स्पाई फिल्म फ्रेंचाइजी टाइगर की तीसरी किश्त यानी टाइगर 3 में एक्सटेंडेड कैमियो करते हुए नजर आए थे। बता दें कि 2019 में ऋतिक की वॉर को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 318 करोड़ का धमाकेदार कारोबार किया था। इसके अलावा जल्दी ही वॉर 2 भी ऑन द फ्लोर होती दिखेगी। ये पहला मौका होगा जब ऋतिक रोशन पहली बार आलिया भट्ट के किसी भी मूवी में नजर आएंगे।